ठीक है जी। उसके बाद ये हमें पाकिस्तान अफेयर्स जो है वो हमें कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम हमारा जो ओवरऑल हम इसको देखते हैं, पाकिस्तान अफेयर को 4 मेन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। पहला हिस्सा है पाकिस्तान का एक प्री पार्टीशन एरा है, ठीक है, प्री पार्टीशन एरा में फ्रॉम 1857 टू ऑनवर्ड्स 1947 है, जो अभी हम क्वेश्चंस का एनालिसिस देखेंगे उसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं। फिर उसके बाद इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है, पोलिटिकल हिस्ट्री है, एंड डिफरेंट डोमेस्टिक इशूज हैं जिनमें एजुकेशन आ जाता है, इकोनॉमी आ जाता है, पॉलिटिक्स आ जाता है, ईच एंड एवरी थिंग जो है हम कवर करेंगे। अब देखिए, एक सिंपल से पैराडाइम में आप चीजों को देख रहे हैं, बट वो आपके ऐसे में आपको हेल्प आउट करेगा। आपके पॉलिटिकल साइंस है, आपका कोई भी और पेपर है, ऑप्शनल पेपर है, उसको वो एक बेस प्रोवाइड करता है, बिकॉज अल्टीमेटली वन वे और अनदर यू हैव टू लिंक इट विद पाकिस्तान, ठीक है। तो पाकिस्तान अफेयर में हम कोशिश करेंगे कि इस जो शॉर्ट हमारे पास एक टाइम फ्रेम है, इसमें मैक्सिमम हम उस पर फोकस करें इन इश्यूज को कवर करने की, ठीक है जी। उसके बाद पास्ट इवेंट्स को बताता है कि पास्ट में ऐसे कौन से इवेंट्स हुए हैं, लाइक अगर हम 1947 से ऑनवर्ड चलते हैं, पाकिस्तान का वेस्टर्न ब्लॉक में जाना, सीटो से आंटो, उसके बाद डेमोक्रेसी, उसके बाद कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, उसके बाद किस तरह डिफरेंट गवर्नमेंट्स आई, किस तरह टॉपल किया, किस तरह यूथ ने कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ऑल द थिंग्स कि वहां पे आज हम एक रेलिवेंस उसकी एक रेफरेंस प्रोवाइड करते हैं कि ओके दैट हैपेंड देयर। लाइक पाकिस्तान और यूएस के अगर हम देखते हैं कि जो रिलेशंस हैं उसमें प्रेसलर अमेंडमेंट्स की बात करते हैं हम, सीटो और शांटो की बात करते हैं, उसके बाद हम और डिफरेंट लाइक 1990 के एरा वाले एरा को डिस्कस करते हैं, 1980s के एरा को डिस्कस करते हैं। तो वो सारी चीजें हम अपने पाकिस्तान अफेयर में कवर करेंगे ताकि आप उसको एक अच्छे तरीके से कवर कर सकें, ठीक है। उसके बाद वी स्टडी दिस टॉपिक टू लर्न आवर सोसाइटी हैज टू कन्फ्रंट एंड हाउ आवर लीडर हैज गिवन देयर लाइव्स, कि किस तरह हमारी सोसाइटी में एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या हैं। ये तो एक है कि हम उसका बेस स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक। अब दूसरा पार्ट हमारा जो पाकिस्तान अफेयर का आएगा उसमें हम देखेंगे कौन से ऐसे डोमेस्टिक इश्यूज हैं, लाइक इशू ऑफ हाइड्रो पॉलिटिक्स, इशू ऑफ न्यू प्रोविंसेस, इशू ऑफ इकोनॉमी, इशू ईच एंड एवरी थिंग जो कि रिलेटेड है पाकिस्तान के साथ, हम उसको कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद इट गिव्स एस्पिरेंट अ डिजायर अ लर्निंग मोर, ठीक है जी। ठीक है जी, उसके बाद हमारा सेशन कैसा जाएगा, क्या ये एक रूटीन जैसे एक लेक्चर मैं आऊंगा डिलीवर करूंगा या मैं आपको दूंगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। मैं आपको प्रिपेयर करूंगा टू माय बेस्ट ऑफ द कैपेबिलिटीज कि जब आपकी क्लास खत्म हो यू विल बी एबल टू स्कोर एटलीस्ट 60। उसके लिए हमारा ये प्रोसेस जो होगा वो टू वे प्रोसेस होगा। जिन्होंने मेरे साथ पहले पढ़ा है उनको मैं ज्यादा से ज्यादा असाइनमेंट्स देता था, ठीक है। आपने एक टॉपिक को कवर करेंगे, टॉपिक को कवर करने के बाद उस पर ही मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन भी वो होगा जो पास्ट पेपर में आ चुका होगा। आप उसको देखेंगे, ओपन बुक अटेम्प्ट करेंगे, जैसे भी करेंगे, उसके बाद वन वन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमने अपने लेक्चर में पढ़ी है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपने एक्चुअली रिटन अपने जो पीस ऑफ पेपर है उस पर शिफ्ट नहीं की। बिकॉज एज आई यूज टू से दिस के दिस इज द रिटन एग्जाम, दिस इज नॉट द एग्जाम ऑफ योर इंटेलेक्ट कि आप भाई कितना आपको पता है, कितनी आपको बहस मोबाइल आता है, ठीक है, कितना आप इस पर बहस कर सकते हैं। इट इज के वट आपने जो आपने प्रेजेंट किया इन द फ्रंट ऑफ एग्जामिनर, आपके इंट्रोडक्शन में उसका एक मिरर होता है, पता चल जाता है कि व्हाट व्हाट द एस्पिरेंट इज ट्राइंग टू राइट, क्या ये ब्लफ मारने की कोशिश कर रहा है, क्या एक्चुअली इसने क्वेश्चन की नेचर को ग्रेस्प किया या नहीं किया। दिस इज द स्मार्टेस्ट वे टू स्टडी, ठीक है। हम इस पे कोशिश करेंगे, देन राइटिंग राइटिंग राइटिंग, उसमें आपकी वीकली असाइनमेंट्स होंगी और रेगुलर एवेल्युएशन होगी, ठीक है। ये एनालिटिकल स्किल्स, अच्छा यहाँ पे एक चीज है कि अक्सर लोग पूछते हैं कि क्रैमिंग और क्रिटिकल एनालिसिस जो है या एनालिटिकल अप्रोच वो कितनी मैटर करती है इन सी एस एस। क्रैमिंग आपकी उतनी मैटर करती है, लाइक अगर मैं कहूं कि 5 to 10% है। द थिंग विच मैटर इज योर आर्ग्यूमेंट, वेदर इट इज एसे, वेदर इट एनी पेपर ऑफ द सी एस एस, ठीक है। आपका आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, उसको जो आप यूज करते हैं अपना फैक्ट्स एंड फिगर्स वो एक्चुअली आपको सब्सटेंशिएट कर रही होती हैं आपके आर्गुमेंट को। लाइक आई अटेम्प्टेड माय एसे ऑन टूरिज्म, आई जस्ट कोटेड वन स्टैटिस्टिक्स, कि एक स्टैटिस्टिक्स मैंने उसमें कोट किया और स्टिल आई पास एग्जाम,
ठीक है, तो ये चीजें हैं कि आपने दो चीजें आपकी ऐसे सीएसएस की ऐसे की जर्नी को पूरे ओवरऑल सीएसएस की जर्नी को डिफाइन करती हैं। फर्स्ट इज कि आपको एक स्टैंडर्ड इंग्लिश लिखनी आती हो जिसमें एरर फ्री हो, कोई ऐसा इशू ना हो आपका। दूसरा ये है कि आपका आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग हो, आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग हो, आर्ग्यूमेंट, क्योंकि आप जब आउटलाइन बनाते हैं, जब आप ऐसे में आप लिखते हैं, ऐसे में चले इंग्लिश आपकी चेक होती होगी, कोई माइनर मिस्टेक वो आप उधर को नहीं, आपने उधर नहीं करनी, बट पाकिस्तान अफेयर है, कोई और है वहां पे। अब जितने भी क्वेश्चन की नेचर हम आगे देखते हैं, जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो एनालिटिकल आते हैं, वो डिमांड करते हैं कि आपने ठीक है पढ़ लिया कॉन्टेंट, नाउ रिप्रोड्यूस बाई योर सेल्फ। लाइक आई से वट वॉज द रोल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल इन द मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान मूवमेंट में उसका रोल क्या था। अब हम तो बचपन से यही पढ़ते आते हैं कि पार्टीशन ऑफ बंगाल कैसे हुई, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज थे, ये थे, बट वी नेवर स्टडीड अबाउट दिस एस्पेक्ट कि हाउ इट इन्फ्लुएंस आपकी जो पूरी पाकिस्तान मूवमेंट है, उसी को फिर आप यूज करते हैं कि 1947 तक असल में मूवमेंट ओरिजिनेट ही पार्टीशन ऑफ बंगाल से हुई थी। फिर आपने देखा कि उसका जो काउंटर आया 1971 में, अक्सर लोग कहते हैं कि जो ढाका वाला इंसिडेंट हुआ है वो 1947 के बाद हुआ, बट आई वुड से कि ये उस टाइम से स्टार्ट था, असल में रूमिया उन्होंने देखी थी, सारी एक्सप्लोइटेशन उनकी हुई थी जो सामने विजुलाइज होके आई इन 1971 में, 1947 में हमने उसको एड्रेस नहीं किया, एक्चुअल फ्रीडम उन्होंने हासिल की है, बट यू कांट अगेन यूज दिस। बट ये सारी चीजें हैं जिस तरह मसलन उसके बाद मिंटो मॉले रिफॉर्म्स हैं, कह दिया उनके 14 पॉइंट्स हैं, हमने तो सिर्फ 14 पॉइंट्स पढ़े हैं ना, बट उस एक एक पॉइंट में मसलन सिंध को मुंबई से अलग सूबा किया जाए, क्यों किया जाए, व्हाई, व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर डिसीजन, ठीक है, उस पूरे 14 पॉइंट्स पे 14 बुक्स लिखी जा सकती हैं, ठीक है। तो हमने कोशिश ये करनी है कि हम उसको कवर करेंगे उस वे में ताकि हमारा जो एक डेवलपमेंट हो आर्गुमेंटेटिव डेवलपमेंट, ठीक है जी। उसके बाद ये हमारे पास ये लेक्चर प्लान है, लेक्चर वन है पूरा, लेक्चर जो मैंने आपको डिवाइड किया हुआ है इसमें आपके पूरे सिलेबस को, ठीक है। पहला सिलेबस यह है कि हम इस हमारा जो मेथड होगा हम इस तरह ये देखेंगे, आइडियोलॉजी देखेंगे, इसमें सारी चीजें देखेंगे, इससे पहले आपका एक और लेक्चर होगा वो मुगल एम्पायर पे होगा। उसके बाद हमारी उसमें एक असाइनमेंट होगी, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, क्रिटिकली एवेल्युएट द एवोल्यूशन ऑफ मुस्लिम सेपरेट आइडेंटिटी इन द सब कॉन्टिनेंट, ताकि मुझे पता चले कि मैंने कितना अच्छा पढ़ाया है और आपको पता चले कि आपने कितना अच्छा पढ़ा है या कितना अच्छा आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। मीन वाइल आपकी जितने भी हैं मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं आफ्टर 1847, उसमें भी हम जो मेन इवेंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसी तरह आपके 14 लेक्चर्स हैं, 14 लेक्चर्स में सारा आपका जितना सिलेबस है, सिलेबस प्लस आउटलाइन ईच एंड एवरीथिंग कवर करके उसके साथ आपकी असाइनमेंट है जो कि आपको ट्राइव लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब आता है अगला इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। इसमें देखिए ये पास्ट पाकिस्तान अफेयर का पास पेपर का एनालिसिस है, हर पोर्शन में 2015 में कौन सा क्वेश्चन आया, 16 में कौन सा आया, 18 में कौन सा आया, 19 में कौन सा आया, 20 में कौन सा आया, इसकी बेस पे आप सीएसएस के अपार्ट फ्रॉम इवन के आप ऐसे को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, पूरे सीएसएस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कि कोई अगर मुझसे पूछे कि व्हाट इज द मेन या सक्सेस स्टोरी, लाइक वन ऑफ माई टीचर टोल्ड मी बैक देन व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सीएसएस, उन्होंने कहा बस सिलेबस को जुबानी आप याद कर लें, देन पास पेपर को एज अ बाइबल समझ के अपने सामने रख ले, दैट इज योर की टू सक्सेस। तो ये देखें इसमें मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें सारा टॉपिक वाइज क्या आइडियोलॉजी या पाकिस्तान में क्वेश्चन किस तरह आया, क्या उसकी नेचर है, क्या डायमेंशन है और कौन सा इंपॉर्टेंट है। अब देखें यहाँ पे 19 20 एक दो तीन चार पाँच छ दो पांच दफा क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। उसके बाद आपकी लैंड एंड ज्योग्राफी है, इसमें देख लें कितनी दफा आया है, रीजन पाकिस्तान एंड चेंजिंग रीजनल अपरेटस, इसमें से क्वेश्चन आए नहीं, न्यूक्लियर प्रोग्राम पे एक दफा आए नहीं, ठीक है। दैट्स हाउ यू डिफाइन योर डायमेंशन ऑफ योर पर्टिकुलर सब्जेक्ट। क्या देखें ये हमारे पास एक बाकायदा गाइड बुक के तौर पे काम करेगा कि कौन से टॉपिक्स हमने करने हैं। अब हमें पता है कि हमारे पास ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला जो एरिया है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसमें एग्जामिनर का इंटरेस्ट ज्यादा है, ठीक है। तो हम इसके पे ज्यादा फोकस करेंगे, एम्फसाइज़ पे ज्यादा करेंगे और इसको कवर करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद इसी तरह आता है कि पॉलिटिकल एवोल्यूशन में देखते हैं, 2017 में आया, 18 में आया, 20 में आया, 15 में आया, ये पाकिस्तान एंड यूएस वॉर ऑन टेरर, ये इस तरह के मिसलिनियस क्वेश्चन भी कुछ हम जो करेंगे ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब अगली बात आती है,
कि जो क्वेश्चन पेपर आया है 2021 में उसका एनालिसिस हम करते हैं कि क्या उसमें ऐसी चीजें हैं या कौन से ऐसे एरियाज हैं जो हमारा एग्जामिनर चाहता है कि वो हमसे पूछे या उनको कवर करना है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि निमरेट दी मेजर्स अडॉप्टेड बाय पाकिस्तान टू स्पॉटलाइट ऑन द प्लाइट ऑफ कश्मीरी पीपल इन द इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है जी, एक्सप्लेन अफगान ओन्ड अफगान लेड सॉल्यूशन ऑफ अफगानिस्तान क्राइसिस। ठीक है जी, हाउ सीपैक ये ठीक है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, पाकिस्तान जो अगेन ये एक नेशनल इशू है, उसके बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अच्छा, आपने जब पाकिस्तान की देखा है तो सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, जैसे मैं पहले भी आपको कहता हूँ दो क्वेश्चन जो है वो मस्ट है इस एरिया में से आने ही आने। ठीक है, इन तीनों में से वेदर वो सोशल पे है, इकोनॉमिक पे है, पॉलिटिकल पे है, दो क्वेश्चन इसमें से मस्ट आने ही आने। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है ये देखिए, क्रिटिकली एवलुएट द एवोल्यूशन ऑफ मुस्लिम सेपरेट आइडेंटिटी इन द सब कॉन्टिनेंट। पहले क्या हो रहा था 2020 तक, क्या हो रहा था कि दो क्वेश्चन जो है वो प्री पार्टीशन से आ रहे थे। एक क्वेश्चन आपका आ रहा था 1947 से 1956 तक, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है एग्जामिनर का, वो हमें शिफ्ट होता दिखाई दे रहा है टुवर्ड्स मोर जो आपके करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं। करंट अफेयर में आप जो मसला लोग करते हैं वो ये देखते हैं कि इसको हमने करंट अफेयर वाले वे में अटेम्प्ट करना है। बट नो, यहाँ पे उसने क्वेश्चन पूछा है कि नमरेट मेयर इज अडॉप्टेड बाय पाकिस्तान टू स्पॉटलाइट द प्लाइट ऑफ कश्मीरी पीपल। इसमें आप जेंटली बता देते हैं कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसमें आपने उसको लेके चलना है फ्रॉम द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव कि पाकिस्तान ने वो मेयर वहां पे किया था, उसको रिलेट करना है विद दैट। ठीक है, उसके बाद अफगान लेड सॉल्यूशन अफगानिस्तान क्राइसिस। तो आपने पाकिस्तान अफेयर्स वाली जो डायमेंशन है उसको अपने साथ रखते हुए लेके चलना है। इस तरह आप जो है वो मैक्सिमम स्कोर करेंगे। प्लस उसके साथ डिस्कस द रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, ये आपका ऐसे वाला भी हो जाता है। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में हम देखते हैं कि टूरिज्म है, ठीक है, टूरिज्म में ऐसे आता है, उसके बाद डिजिटलाइजेशन है या यूथ पल्स है या ईच एंड एवरीथिंग जो आपका इसमें आएगा। ठीक है, उसके बाद पोलिटिकल स्टेबिलिटी इज मैंडेटरी फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इस पे डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमी इस पे ऐसे आता है। ठीक है, उसके बाद ये जो है एरिया आपका एंड पे आ जाता है। तो अब हमारा, हमने यहाँ से ये डिड्यूस किया कि हमने मोस्टली जो अपना एरिया ऑफ एम्फेसिस है वो तो कवर करना है, ऑफकोर्स तो यहाँ पे हमने रखना है। ठीक है, प्लस इसके साथ क्या होगा कि हम जो है अपने एमसीक्यू पोर्शन पे स्पेशली एम्फसाइज करेंगे। ठीक है, आपको मैं एमसीक्यूज प्रोवाइड करूंगा। हम क्या करेंगे कि 2005 से ऑनवर्ड या 2000 से ऑनवर्ड मेरे पास एक फाइल पड़ी हुई है, मैं आपको वो प्रोवाइड करूंगा। क्योंकि अगर ये देखें, ये पेपर है 80 मार्क्स का, 20 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज हैं। लाइक यहाँ पे 20 का आप बहुत अच्छा लिखते हैं तो हो सकता है वो आपको 14 दे, बट यहाँ पे अगर आप 20 आउट ऑफ 20 लेने की ले सकते हैं, लाइक मेरे आप 58 आए हैं बट मेरे एमसीक्यूज 10 ठीक थे जस्ट, कि मैं उस पर और करता तो मेरे आई कुड हैव स्कोर्ड अराउंड 70, सेम वाज द केस इन द पीएमएस। ठीक है, तो आपने, हमने इसको इस तरह प्रिपेयर करना है जो कि मेरे एक माइंड में है, ये मैं आपको लेके चलूंगा कि हम इसमें मैक्सिमम स्कोर करना है। मैं आपको कोई फिलोसोफर या कोई इंटेलेक्चुअल नहीं बनाऊंगा इस पर, हम इस पर जो मेन फोकस होगा हम इस पर स्कोर करेंगे। ठीक है जी, ये था। अब कोई क्वेश्चन है आपका बिफोर वी स्टार्ट आवर लेक्चर, तो कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ लें। सर, वो जो टॉपिक्स जिनमें क्वेश्चंस अभी तक नहीं है जी, वो हम कवर करेंगे, बट मेरा जो अगेन प्राइम फोकस होगा वो हम करेंगे जो मेन हमारे आए हैं करेंगे जरूर, क्योंकि टेंशन पेपर की जैसे में जगह चेंज हो रही है। जी जी, तो हो सकता है कि सर जी जी हो जाए। हेलो सर, बट हम इसमें देखें जी, एक मिनट मैं सर की ये फिजिकल वाले क्वेश्चन ले लूँ, उसके बाद आपको एड्रेस करता हूँ। उसमें ये आपका नाम क्या सर? अबू अबू सर, क्या है कि आपके पास ना एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर होता है,
कि ये पूरा 100% है, अगर 20% को मैं somehow marginalize करता भी हूँ तो मेरे पास 3% की आपके पास choice होती है। लेकिन हमने देखा कि 2015 से लेकर 20 तक, इवन कि 21 का भी पेपर देखा, उसमें कोई ऐसा टॉपिक नहीं आया जो कि वहां पे, पहले मैं आपको सेंड करूंगा आप उसको कम्प्लीटली देखिएगा, क्योंकि ऐसा टॉपिक नहीं, लाइक न्यूक्लियर पे हमने नहीं देखा कि अभी तक कोई क्वेश्चन आया, इवन के 2021 में भी नहीं आया। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हम इसमें कवर करेंगे। हाँ जी, चॉइस पे आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, आप ऑनलाइन में से किसी को कोई क्वेश्चन हो। सलाम सर, हेलो जी, सुन लो सर, क्वेश्चन ये है कि काइंडली मुझे थोड़ा सा इसमें गाइड करिएगा कि जो क्वेश्चन होता है पाकिस्तान अफेयर का, एग्जामिनर किन पॉइंट्स के ऊपर इसको वेटेज को मेजर करता है, क्या हमें किसी भी क्वेश्चन में किन डायमेंशन को फोकस करना चाहिए, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनली? आप अपना, मुझे ना आपकी वॉइस